हाँ दया, आज सुबह ही भेजा किसी ने वो लेटर। नहीं नहीं, पोस्ट से आया है, इस पर टिकट और स्टैंप लगी हुई है। हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो मेरे घर पे क्यों भेजता। हाँ मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ ऑफिस में। सर आपको तो पता ही चल गया होगा। हाँ ये वो चीज है। क्या लगता है और क्या हो सकता है सर? भेजने वाले का नाम नहीं है, एनवलप जरा मोटा सा है, अच्छी तरह सील्ड है। या तो सर ये एंथ्रेक्स होगा या बॉम्ब है ना? यस सर। एनवलप का जो शेप है उसमें कोई वायर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ उठा उठा सा होना चाहिए था, है ना? शायद वायर अंदर छुपा दिए हैं। सर एनवलप की थिकनेस से लग रहा है कि आरडीएक्स की पतली लेयर होगी, अगर शायद ऊपर दबाएंगे तो रबर का फील आएगा, पर सर दबाएंगे तो फट सकता है। एक काम करते हैं, इसे स्कैन करके देखते हैं। अगर इसमें कुछ वायर वगैरह हुए तो दिख जाएंगे। 5 सेकंड के लिए 100 माइक्रोन्स का एक्सपोजर दो। सर ये देखिए काफी रात है। एनवेलप में तो चाबी है। ये चाबी जिसने भी भेजी है वो सामने आने से डर रहा है, वो चाहता है कि हम कुछ करें। ये चाबी एक स्पेशल चाबी है, इस पर बनाने वाले का नाम छपा हुआ है, चाबी का नंबर भी छपा हुआ है, इन्हें जाके मिलो तो शायद ये पता चल जाए कि ये वाला ताला कौन से शहर में भेजा गया है और कौन से एरिया में। ये तो लॉटरी लग गई सर। सर हम सिर्फ ये पूछने के लिए गए थे कि इस चाबी का ताला कहाँ बिका है। चाबी बनाने वाले ने तो इसके माँ बाप तक का नाम बता दिया। यस सर। सर ये चाबी मुंबई की ही है और इसके साथ के और 200 ताले एक बैंक के लॉकर में लगे हुए हैं। लॉकर नंबर 42। ये एक मिस्टर कमल कुमार का है, 19 सनशाइन बिल्डिंग मलाड वेस्ट। और ये लॉकर इन्होंने 1 महीना पहले ही खरीदा। 1 महीना पहले ही? अच्छा अब हम ये लॉकर खोल कर देख सकते हैं? आप यहाँ साइन कीजिए। ओके यहाँ। देखिए सब काम ऑफिशियली होना जरूरी है, ऐसे खोल नहीं सकते। या आई नो। थैंक यू। अब आप अपनी चाबी लगाइए। पैकेट है एक। लॉकर में इतने सारे रुपए? ₹9 लाख। पहले किसी ने यह चाबी भेजी जिसमें खून लगा हुआ था और अब ये 9 लाख रुपए। इन सारे सवालों का जवाब तो ये कमल कुमारी दे सकता है। 19 सनशाइन बिल्डिंग मलाड वेस्ट।
लगता घर पे नहीं है। पड़ोसी से पूछा, बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है ना यहाँ पे। हाँ हमने 3 दिन से कंप्लेंट लिखवा रखे हैं और आज आ रहे हैं आप लोग जी। बदबू नहीं आ रही आपको? बदबू आ तो रही है। तो फिर कुछ कीजिए ना। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? जी। ओहो, हमने कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी, उन्होंने सीआईडी को भेज दिया। देखिए हमें यहाँ किसी ने भेजा भेजा नहीं है, हम यहाँ इस कमल से मिलने आए। कमल, कमल यही रहता है ना? जी हाँ, पर कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, शायद के बाहर गया हुआ है। ये बदबू काफी आ रही है ना? यही तो, पता ही नहीं चल रहा है कहां से आ रही है। शायद कोई चूहा मरा है। या कमल के घर में देखा? कैसे देखते, घर बंद है। रुको। प्लीज आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। हाँ सुधाकर, 19 सनशाइन बिल्डिंग मलाड वेस्ट में जल्दी पहुंचो। इसे मरे हुए काफी टाइम बीत चुका है, ये अभी नहीं मरा है। इस क्लास पे से हमें फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। 2 ग्लास है, शायद किसी जान पहचान वाले ने इसे मारा है। पहले यहाँ बैठ के शराब पी, फिर झगड़ा हुआ, फिर इसका खून हो गया। मगर एक बॉटल यहाँ पड़ी है शराब की और दूसरी वहाँ पे टूटी हुई पड़ी है। कैसे? माफ कीजिएगा, आपसे थोड़ी पूछताछ करनी है कमल के बारे में। मेरे से क्यों? ये आपका पड़ोसी था ना, इसीलिए। अब तो वो मर चुका है, अब क्या पूछना है। वैसे आदमी कैसा था ये? क्या मालूम कैसा था, पर दारू बहुत पीता था, बहुत चिल्लाता था दारू पी के। घर में और कोई नहीं? इसके अकेला ही था। कोई मिलने मिलने नहीं आता था इसे यहाँ पे? एक आदमी अक्सर दिखाई देता था यहाँ पे। कौन? मुझे क्या मालूम कौन, मुझे सिर्फ इतना मालूम है उसके पास एक नीले रंग का स्कूटर था। अभिजीत, आधे ये कमल का विजिटिंग कार्ड मिला है, किसी सोलोमन एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है। कमल यहाँ नौकरी करता है नहीं, नौकरी करता था, 1 महीने पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी। 1 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी, और 1 महीने पहले ही उसने वो लॉकर लिया था। इसका मतलब कमल के पास पैसा 1 महीने पहले ही आया। जब कमल ने नौकरी छोड़ी तब क्या आपने उसे 9 लाख रुपए दिए थे? 9 लाख रुपया? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं उसे 9 लाख रुपया दूंगा। तो फिर ये पैसे उसके पास आए कहां से? मुझे क्या मालूम। अच्छा आप खुद ही सोचो, जो आदमी 4,500 रुपया पगार लेता हो उसके पास ये अचानक 9 लाख रुपया कहां से आएगा? बात तो सही है। अच्छा यहाँ इस ऑफिस में कमल का कोई दोस्त है जो नीले रंग का स्कूटर चलाता हो? नीले रंग का स्कूटर? अरे हाँ, तेरे पास भी है ना नीले रंग का स्कूटर, तू चलाता है ना बाबू? हाँ नीले रंग का स्कूटर है मेरे पास, पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कमल को नहीं मारा। पता नहीं वो कैसे मर गया, पता नहीं वो चाकू उसको कैसे लग गया। दया, इसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। लो बाबू, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई। कमल के घर में दारू की बोतल पे और ग्लास पे जो उंगलियों के निशान मिले थे वो तुम्हारी है। अब बोलो क्या बोलना है। उस रात कमल के घर में जो आदमी दारू पी रहा था वो तुम ही थे ना? हाँ सब मैं ही था। बोलो क्यों खून किया उसका? मैंने खून नहीं किया सब। फिर किसने किया? उस दिन कमल ने और मैंने बहुत शराब पी ली थी, मैं टुन हो गया था। मैंने कमल से कहा कि मैं घर जाता हूँ भाई, उसने कहा रुक जा और पियेंगे क्या, और लिया।
और मैं रात को शराब ढूंढने निकला, और आधे घंटे के बाद जब मैं वापस लौटा तो चल कमाल, आपका बंदोबस्त हो गया। कमाल, मेरे किसने मारा तुझे? बोल बोल। चल तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। बोल बोल। चाबी, चाबी क्या करूँ इस चाबी का? ये बोल बोल। ये चाबी कमाल। दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। फिर मैंने वो चाबी आपके पास भेज दी ताकि आप खूनी को ढूंढ सके। मालूम है वो चाबी कहां की थी? नहीं साहब, वो चाबी कमल के लॉकर की थी, और वहां से हमें 9 लाख रुपए मिले। 9 लाख? इन पैसों के बारे में तुम्हें मालूम था? मुझे पता होता तो वो चाबी आपको क्यों भेजता? मैं ही पैसे निकाल लेता। ये पैसे कमल के पास आए कहां से? पता नहीं, लेकिन आजकल बहुत पैसे लुटा रहा था। कब से लुटा रहा था पैसे? जब से वो लोनावला जाके आया तब से। लोनावला में क्यों गया था? लोनावला में उसका चाचा रहता था, बस उसी के पास गया था, और जब भी पैसों की जरूरत रहती थी अपने चाचा से ही मांगता था। ये चाचा अपने भतीजे पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान था, 9 लाख रुपए दिए। लेकिन सर, चाचा अचानक इतने सारे पैसे कमल को क्यों देगा? यही तो मैं सोच रहा था कि इतने सारे पैसे क्यों देगा वो। ये चाचा लोनावला में रहता था? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे पास एक नंबर है लोनावला का। कमल ने मुझसे कहा था जब भी ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो जाए उसे इस नंबर पे फोन करे। क्या नंबर है? लोनावला का नंबर है 246689। सर, ये कमल कुमार तो जाते जाते भी झूठ बोल गया। जो लोनावाला का टेलीफोन नंबर उसने बाबू को दिया था वो उसके चाचा का नहीं है सर। हाँ, मुझे लग ही रहा था कोई चाचा वाचा नहीं है। ये नंबर है कहाँ का? सर, ये रेनबो होटल का नंबर है। सर, हमें जितना कुछ पता चला इस कमल के बारे में वो सब झूठ है। दया, ये खून भी उन 9 लाख रुपयों की वजह से हुआ है। चल के देखते हैं रेनबो होटल में क्या मिलता है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहिए क्या सेवा करूं? रूम चाहिए? आई एम रॉय, ये होटल मेरा ही है। मिस्टर रॉय, हम लोग CID से हैं, हमें यहाँ कुछ इंक्वायरी करनी है। यहाँ? यहाँ क्या हो गया? 1 महीने पहले एक आदमी आपके होटल में आके ठहरा था, बस हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ये आदमी, दिस मैन इज डेड। डेड? लेकिन ये मर कैसे गया? जब ये यहाँ आया था तो बिल्कुल ठीक ठाक था। जब कमल यहाँ पे ठहरा हुआ था तब कोई उसे मिलने आया था यहाँ पे? जहां तक मुझे याद है, नहीं। वो कहीं बाहर गया था किसी से मिलने के लिए? I don't think so. वो तो हमेशा यहीं बैठा रहता। मैं भी उसे देखकर सोचता था वो लोनावाला करने क्या है, ना कहीं जाता है ना कुछ करता है, बस बैठा बैठा मैगजीन्स पढ़ता रहता है। जब सारा समय वो यहीं पर बैठा रहता था तो उसके चाचा ने उसे 9 लाख रुपए दिए कब? 9 लाख? सर, हो सकता है कमल इसी होटल में ही ठहरे हुए किसी आदमी से मिलने आया था और उसी ने इसे 9 लाख रुपए दिया। अब जरा होटल का रजिस्टर दिखाइए, जरा देखिए तो सही या कौन कौन लोग ठहरे थे पिछले महीने। और सर, 9 लाख रुपए कोई ऐसे ही कमल को तो देगा नहीं, मामला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है सर। कुछ गड़बड़ की है उसने सर, या तो चोरी या फिर ब्लैकमेल। सर, ये मिल गया सर। उसके अलावा ये 4 लोग यहाँ ठहरे थे सर, आर सोहन, जॉनी सिल्वर, सी के मोती और राजा नाथ। ये चारों भी मुंबई से ही थे सर।
ये चारों लोग अकेले आए थे या इनकी फैमिली भी इनके साथ आई थी? नहीं, ये चारों तो अकेले ही ठहरे थे। अकेले? इन चारों लोगों की आपस में जरूर बातचीत तो हुई होगी। मिस्टर रॉय, जी सर, एक काम कीजिए, हमें वो कमरा दिखाइए जिसमें कमल ठहरा हुआ था। लीजिए साहब, क्या देखना है देख लीजिए। जानवर अपनी कोई न कोई खुशबू जरूर छोड़ के जाता है। साहब, यहाँ कोई कुछ छोड़कर नहीं जाता है, लोग तो जो मिलता है उठाकर ले जाते हैं, ऐसे ग्लास, चादर, साबुन। फिर भी कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जमीन में ना घुसेड़ दो, मिलेगी, कोई ना कोई सेंट जरूर मिलेगी। मुझे तो यहाँ सिगरेट की स्मेल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखेगा दिखेगा दिखेगा। ये क्या लिखा हुआ? सीके मोती 02248219 8। हाँ तो मोती साहब, पिछले महीने आप लोनावला गए थे। जी। हमें एक आदमी की लाश मिली है, वो भी उसी टाइम रेनबो होटल में ठहरा हुआ था जब आप वहां ठहरे थे। लेकिन ये आदमी है कौन? उस आदमी का नाम कमल कुमार है। कमल कुमार? आप उसे नहीं जानते? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। लोनावला में उस आदमी के कमरे में से आपका टेलीफोन नंबर मिला है। मेरा नंबर? जरा उठिए। जी उठिए आप, वहां देखिए उस आदमी को। जी वो? आप वो उस आदमी को पहचानते हैं आप? जी वो, हाँ, उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। जी ये आदमी भी आप लोगों के साथ उस होटल में ठहरा हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, क्या कमल कुमार की और इस आदमी की अच्छी जान पहचान हुई थी वहां लोनावला में? सर वहां पे एक और आदमी भी ठहरा हुआ था सर। कौन? वो कमल कुमार के साथ काफी बातचीत किया करता। अच्छा एक मिनट, जिसके साथ कमल कुमार बात करता था? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है सर। सोहन नाम था सर उसका। ये सोहन मेरे पीछे पड़ गया था कि साथ में कुछ बिजनेस करेंगे। मैंने कहा दो चार दिन की छुट्टी मिली है, लोनावाला में एंजॉय करने दे, छोड़ी बिजनेस की बातें। लेकिन वो नहीं माना, नंबर लेके ही छोड़ा। बस उसी ने मेरा नंबर कमल कुमार को दे दिया होगा और कमल कुमार ने लिख दिया दीवार पर। सर ये आदमी सिर्फ सोहन की ही बात कर रहा है। सर ये राजा भी वही बोल रहा है। ये जॉनी भी सोहन का ही गाना गा रहा है। इस सोहन को हमने बुलाया था ना? यस सर, मगर वो आया नहीं। सोहन को जाके ढूंढो। ऑफिस का ताला टूटा हुआ है बॉस, कोई जबरदस्ती अंदर घुसा है। इतने दिनों से सोहन गायब है, कहीं यहाँ कोई और लाश तो नहीं मिलने वाली? कहीं किसी ने सोहन का भी फोन तो नहीं कर दिया? लाइट चलेगी तो पता चलेगा बॉस। अरे कोई है वहां पे। टॉर्च लाइट में कुछ ढूंढ रहा है। कौन है वहां पे? आगे नहीं आना, आगे नहीं आना तो गोली मार दूंगा। गन नीचे रख दे। नहीं, गन नहीं फेंकूंगा तो मुझे नहीं पकड़ सकते। रुक जा, रुक 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 रुक। हाँ ठीक है ओके। गन नीचे रखो, गोली मार दूंगा। गन नीचे रखो, गोली मार दूंगा। नीचे रखो गन। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.